काम करना, काम करवाना, लेकिन काम करवाने का तरीका, उसमें खुशी है। हर सीन में खुशी है। डिसिप्लिन करेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली डिसिप्लिन करेंगे, लेकिन सम्मान और प्यार के साथ करेंगे। सामने वाले का अपमान करके डिसिप्लिन नहीं करेंगे उसको, उसकी निंदा करके उसको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, अपने वॉल्यूम को बढ़ाकर उसको डिसिप्लिन नहीं करेंगे, खुद पर संयम खो के दूसरे को संयम में जीना नहीं सिखाएंगे। सम्मान करेंगे, समझेंगे कि उसने अपनी क्षमता अनुसार अपना बेस्ट किया अपनी कैपेसिटी से, और उसको राय देंगे ऐसे नहीं ऐसे, फिर राय देंगे ऐसे नहीं ऐसे, 10 बार देंगे, 100 बार देंगे, देते रहेंगे। खुश हम ऑलरेडी हैं, लेकिन सीन आता है हम उसको गिरा देते हैं, फिर नेक्स्ट सीन आता है हम उसको गिरा देते हैं, और फिर हमें सुबह 7 बजे इकट्ठा होना पड़ रहा है खुशी के बारे में बात करने के लिए। खुश रहना कैसे, ये नहीं, सिर्फ ये ध्यान रखना खुशी गवाना नहीं है सारा दिन में। तो अगर किसी ने हमारा काम ठीक से नहीं किया, क्या हम स्टेबल रह सकते हैं? अभी कम हाथ क्यों, गाड़ी में रह सकते थे तो इसमें क्यों नहीं रह सकते? कम हाथ, सिर्फ विजुलाइज करो, आंख बंद करो 30 सेकेंड्स, सामने लेकर आओ अपने का कोई भी जो आपके लिए काम करते हैं, चाहे वो घर पे कोई स्टाफ है काम करते हैं, चाहे वो ऑफिस में आपके साथ काम करते हैं, जस्ट आंख बंद करो, उनको सामने लेकर आओ, जो उस तरह से कभी कभी नहीं करते जैसा आपको चाहिए, अभी लेकर आओ उनको, सुबह सुबह याद करो, दुआएं भेजते हैं उनको आज सुबह, सामने लेकर इतनी बार समझाया फिर भी ठीक से नहीं करते, संस्कार अलग है, क्षमता अलग है, काम करने का तरीका अलग है, मुझे उनको समझाना है, हर रोज समझाना है, लेकिन उनको समझाने से पहले अपना ध्यान रख के फिर समझाना है, अपने आप को करते हुए देखें अपने आप को उनसे बात करते हुए, उनको समझाते हुए, लेकिन सम्मान के साथ। वॉल्यूम उतना ही जितना नॉर्मल है, भाषा मर्यादा वाली है, दूसरे को सुख देकर। ओके जी, अब हाथ उठाएं, किस किसने देखा अपने आप को ऐसा करते हुए, कई बार दूसरी तरह से बोलते 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 वो हमारी क्या बन गई, वो हमारी क्या बन गई, आदत। क्या आदतें बदली जा सकती हैं, क्या आदतें बदली जा सकती हैं? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, 4-5 दिन टेंशन रख के आदत बदल दें, या जीवन भर ऐसे कर्म करें जो दूसरे को दुख दें और फिर खुद खुश रहना मुश्किल हो जाएगा। बिजनेस है ना, ये भी तो कर्मों का बिजनेस है कि मैंने किसी के मन को अशांत किया, उसके मन को डिस्टर्ब किया, गलती उसने बाहर की थी, मैंने तो उसके मन के साथ गलत किया, तो जब मैंने कुछ ऐसा कर्म किया जिससे उनका मन डिस्टर्ब हुआ, तो उनके डिस्टर्बेंस के वाइब्रेशन किसके पास आएंगे, और जैसे ही उनके वाइब्रेशन मेरे पास आते हैं, मेरी आंतरिक शक्ति और घटती है, मेरा कल गलती करने का चांस क्या हो जाता है, और बढ़ जाता है, फिर मैं और गलती करती हूं, दूसरे और मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, मेरी आंतरिक शक्ति और घटती है, कल गलती करने का चांस और बढ़ जाता है, और धीरे धीरे बैटरी अंदर की क्या होती जाती है, ये बैटरी है इधर, इसको देखें, आत्मा रूपी बैटरी है, फुल्ली चार्ज्ड है सुबह,
हमें सारा दिन काम करना है, सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन आफ्टर सीन, लोगों के साथ मिलना है, लेकिन ये बैला शाम को हम फ्रेश लाइट खुश हैप्पी घर आएंगे और हमारे साथ जितने लोग काम कर रहे हैं वो भी साथ ठीक से था, बात नहीं की, उनका गवाया, वो सारी एनर्जी हमारे घर आई और फिर हमने कहा पता नहीं किसकी नजर लगी है, किसी लगी है। आज एक दिन सिर्फ एक दिन, आज अगर आज एक दिन अपने ऊपर अटेंशन रखा, क्या आपको लगता है आज अगर किसी से कोई गलती हो भी जाए आप प्यार और सम्मान से उसको समझा सकते हैं?